भगवान का भी देव का जन्म है, फिर उससे उनसे आगे ली संन्यास के लिए चले। तो कल हमने कल स्पेशली माता देवती और कर्म भूमि के गृहस्थ जीवन के बारे में चर्चा किया है ना, कि उन्होंने कैसे पहले भक्ति किया, फिर कैसे उनका विवाह हुआ, सारा डिस्कस किया था। तो गृहस्थ जीवन में जो केंद्र होते हैं वो भगवान होते हैं, तो जब भगवान केंद्र में होते हैं तो गृहस्थ जीवन आसानी से जाता है। बताया था कि भगवान की सेवा, जो पति है वो किसकी सेवा करेगा, भगवान की, है ना। भगवान पत्नी पति पर निर्भर है, पति भगवान पर निर्भर है। तो जो कुछ भी भक्ति पति करता है उससे जो भी परिणाम उनको प्राप्त होता है भक्ति करने से, वो सारे पत्नी सिर्फ उनकी सेवा करके उसको अर्जित कर लेती है ना। वही चीज है कि जब यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि जिस तरीके से माता देवती ने कर्दम मणि की सेवा की, एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा उसी तरीके से करनी चाहिए। तो इस तरीके से कर्दम मणि संन्यास लिए और इसके बाद उनकी नौ पुत्री जो थी उनका, कर्दम मणि ने कहा जब देवती ने देखा कि कर्दम मणि जाने वाले हैं तो उन्होंने उसको रोका कि आप ऐसे ना जाएं, और आपने मुझे अभी ये पुत्रियां तो चली जाएंगी अपने अपने घर, तो मेरी रक्षा करने के लिए कौन है यहाँ, तो आप हमें अभय प्रदान करें। उनका कहने का मतलब था कि आप हमें एक पुत्र प्रदान करें। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भगवान ने स्वयं प्रॉमिस किया है और भगवान आएंगे और आपको अभय प्रदान करेंगे। अभय प्रदान करना माने भक्ति प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से उनकी जो नौ पुत्रियां थी उनका विवाह हुआ और ब्रह्मा जी स्वयं उनके पुत्रियों के विवाह के लिए नौ प्रजापतियों को लेके आए, उनसे उनका विवाह किया गया। और इसके बाद कर्दम ऋषि ने संन्यास लिया। कर्दम ऋषि के संन्यास हो जाने के बाद माता देवती ने एक दिन भगवान कपिल देव से, जो कि उनके पुत्र हैं, लेकिन भगवान कपिल देव से उन्होंने 6 प्रश्न किए। ये देवती कपिल संवाद भागवतम में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये देखो, है ना, कपिल भगवान ऊपर बैठे हैं, माता देवती नीचे बैठी है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पे चूंकि उनके पुत्र स्वयं भगवान है और यहाँ पे आध्यात्मिक स्तर पर उन्हें ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी, इसलिए माता देवती इस बात को नहीं सोचती है कि मेरे पुत्र हैं, बल्कि वो शिष्य की तरह नीचे बैठी हुई है और उनसे प्रश्न करती है ना कि आप हमें हमारी जिज्ञासाएं उनका समाधान करें। पहला प्रश्न उन्होंने किया कि मैं संसार में माया के द्वारा मैं माया में हूँ, माया का जो भ्रम है इसमें हूँ, है ना, मैं माया के द्वारा ठगी गई हूँ, है ना, माया ने मेरे साथ क्या किया, ठग लिया मुझे।
तो मेरा जो अज्ञान है उसे आप दूर करें, पहला। दूसरा, तो जब ये प्रश्न उन्होंने किया तो कर्दम मुनि ने, कपिल भगवान ने उनको सांख्य योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, सबके बारे में बताया, और अंत में उन्होंने सभी योगों के ऊपर भक्ति योग को बताया कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है और आपको भक्ति योग करना चाहिए। भक्ति योग के करने से आपको माया से क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। तो दूसरा प्रश्न, वो भी बहुत विस्तार से है, हम तो शॉर्ट में बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न माता देवती करती हैं कि किस तरह की भक्ति हमें करनी चाहिए। तो भगवान कपिल कहते हैं कि जो भाव में है उसे जो है राग में भक्ति करनी चाहिए, उत्तम भक्ति जिसे कहते हैं, और जो साधारण जीव है उसको साधना भक्ति करनी चाहिए, वैधी साधना भक्ति, है ना। तो थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, भाव जनरली हम जो लोकल अपने वार्तालाप में कहीं बोलते हैं ना कि जीव का भाव ऐसा है, सुना नहीं आपने, वे उनका भाव ऐसा है, उनका भाव बहुत अच्छा है, उसका भाव खराब है, यहाँ ये उस भाव की बात नहीं हो रही है। भक्ति के आठ स्तर है, उनमें जो सातवां स्तर है वो भाव है, आठवां प्रेम है, जो सर्वोच्च स्तर है ना। तो जनरली जो हमारे लिए है वो क्या है? साधना भक्ति। तो माँ तीसरा प्रश्न करती है कि ठीक है मुझे भक्ति करनी चाहिए, साधना भक्ति, लेकिन फिर भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो, उन्हें भले पता हो कि उनके लिए क्या सही है, पर फिर भी वो और चीजों की भी जानकारी रखते हैं कि और कौन, हमें पता है कि ये रास्ता सही है पर और भी रास्ते क्या हैं और विकल्प क्या है, वो उनकी भी जानकारी रखते हैं। तो आप हमें ज्ञान योग और अष्टांग योग के बारे में भी बताइए। तो उसके उत्तर में भगवान कपिल ज्ञान योग में पूरा सांख्य योग, वही सांख्य योग है जिसमें बाद में भक्ति को निरूपित किया है, उसमें बताते हैं कि किस तरह से सृष्टि का पूरा, वही फिर सृष्टि का वर्णन आता है किस तरीके से, और तत्वों को बताते हैं कि किस तरीके से भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। और अष्टांग योग में यम, नियम, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरीके से आठ अष्टांग माने होता है जिसके आठ अंग हो, तो उस अष्टांग योग का भी वर्णन उन्होंने किया, ठीक है। फिर उस अष्टांग योग में उन्होंने उसमें भी अंत में भक्ति को निरूपित किया कि अल्टीमेटली जो करने वाली चीज है वो भी क्या है? भक्ति है, ठीक है। उन्होंने 24 तत्वों को गिनाया ज्ञान योग में, जिसमें आपका पांच ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, गिनना, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, 10, पांच पंचभूत जिसे कहते हैं, पांच तत्व, कितने हुए? पांच इंद्रियों के विषय, जैसे आंख के लिए रूप, त्वचा के लिए स्पर्श, जीवा के लिए स्वाद और गंध, है ना। तो पांच इन्हें कहते तन्मात्रा, कितने हुए? 20। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कितने हुए? 24 तत्व। इन 24 तत्वों को जो मिक्स करता है उसे कहते हैं काल, कितने हुए? 25। और ये जिस सबके तत्वाधान में जो होता है वह है परम भगवान, हो गए 26, इसे कहते हैं सांख्य योग। हरे कृष्णा, ठीक है, इतना आसान भी नहीं है, पर मेन चीज इसमें यही है। उसके बाद उन्होंने अष्टांग योग का बताया, यम, नियम,
कैसे कैसे आपको यम नियम का मतलब होता है डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब आप धारणा और ध्यान की स्थिति में आते हैं जो कि फाइनल स्टेज है समाधि से जस्ट पहले की, वहाँ पर भगवान कपिल कहते हैं कि ध्यान, जनरली हमने सुना होगा मेडिटेशन या ध्यान, तो लोग बोलते हैं कि ध्यान लगाओ किसी एक बिंदु पर या लाइट पर या सूरज पर या मोमबत्ती की फ्लेम पर, सुना है? भगवान कपिल ने क्या बोला, आप किस पर ध्यान लगाओ, भगवान के एक एक अंग पर ध्यान लगाइए, एक एक अंग पर, है ना। तो भगवान कहते हैं कि पहले आपको भगवान के दिव्य रूप के चरणों पे ध्यान लगाना है, पहले चरण, फिर इस तरह से बढ़ना है, धीरे 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 बढ़ना है। और इस तरीके से भगवान के दिव्य अंगों पर ध्यान करते हुए धारणा समाधि ये योग पूरा होता है। और फिर देवती कहती है कि अच्छा अभी मेरे को समझ में आ गया है कि और योग भी क्या है, उनमें भी भक्ति करनी है घूम फिर के, तो क्यों ना डायरेक्ट भक्ति करी जाए, है ना। कर्म योग करो चाहे ज्ञान योग करो चाहे अष्टांग योग करो, कोई सा भी हो वो अंत में वो भक्ति में ही आता है, है ना। तो जब घूम फिर के आने से अच्छा है सीधे डायरेक्ट भक्ति करी जाए। तो जब मुझे भक्ति करनी है तो इस भक्ति योग के बारे में मुझे और बताएं, है ना। तब भगवान उनको विभिन्न तरह की भक्ति बताते हैं, उनके भक्ति के लक्षण बताते हैं, भक्ति के अंग और भक्ति में क्या क्या खतरे हो सकते हैं ये सब बताते हैं, है ना। उसके बाद अंतिम प्रश्न करते हैं काल के बारे में, समय के बारे में, सॉरी पांचवा प्रश्न है समय के बारे में। तो उसमें समय के अल्टीमेटली भगवान समय के रूप में सब कुछ हरते हैं। भगवान बताते हैं कि जो सीधे भगवान को नहीं समझ पा रहा है उसके लिए भगवान समय के रूप में हमेशा उपस्थित है, काल, है ना। और अंतिम प्रश्न है जीव कैसे भौतिक जगत में भटकता है, तो उसके लिए भगवान कपिल एक व्यक्ति का पूरा जीवन बताते हैं, कैसे वो मृत्यु के समय में परेशान होता है, कैसे मरता है, फिर अगला जन्म होता है, पूरा होता है। तो ये है 6 प्रश्न माता देवती के जो उन्होंने पूछे और उनके शॉर्ट में उत्तर। मेनली इसमें एक जो मेन सेक्शन है वो भक्ति योग का है, जिसमें भगवान कपिल कहते हैं कि भक्ति आपको करनी चाहिए और भक्ति करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सताम प्रसंगायन मनवीर संविद, मेरे भक्तों के बीच में जाके भक्तों के संग। उन्होंने पूछा है ना कि भक्ति में कैसे करना है, लक्षण क्या है, भक्ति कैसे करी जाए और भक्ति में खतरा क्या है। तो भक्ति कैसे करी जाए, भक्ति भक्तों के साथ में रहकर उनसे सीख के करना चाहिए, भक्तों के साथ में रहेंगे आसानी से भक्ति हो जाएगी, और खतरा एक ही है अपराध। भगवान कपिल कहते हैं कि भक्तों के बीच में रहने से अपराध होने का खतरा रहता है, अपराधों से बचना चाहिए, क्योंकि जब अकेला रहता है तो कोई टेंशन नहीं। इसलिए पहली बात है कि भक्ति करना कठिन है, पहली बात तो सबसे कठिन यही है कि इस निष्कर्ष पे हम आए कि हमें भक्ति करनी है, फिर भक्ति करें। कई लोगों का बड़ा उत्साह बनता है कि हमें भक्ति करनी है, हरे कृष्ण जब करना है सब करना है, कुछ दिन कर पाते हैं फिर उसकी, तो पहले तो भक्ति पे निष्कर्ष पे आए कि भक्ति करनी है, फिर ये फिर करें, तो फिर कुछ लोग भक्ति करना उनके लिए फिर ठीक है करते रहते हैं, फिर भक्तों के बीच में भक्ति करना सबसे कठिन है।
अपराधों से बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कल हमने देखा था ना कि माता देवती सॉरी जब कर्दम मुनि के साथ रह रही है तो प्रेम भी है सम्मान भी है, वही होता है जब भक्तों के बीच में शुरू में आते हैं तो बहुत प्रेम रहता है, फिर धीरे 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 हम झगड़े होते हैं, धीरे धीरे हमें शुरू में लगता है कि अरे बहुत अच्छे हैं, फिर लगता है कि नहीं ये गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, ये गड़बड़, फिर धीरे धीरे वो भाव कम हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे कम होता है, फिर अपराध बढ़ते हैं। भगवान कबीर कहते हैं भक्ति में एक ही खतरा है, अपराधों से बचना चाहिए, है ना। उसी बीच में ये भी वर्णन आता है कि माया क्या है, माया से कैसे बचे, माया का प्रभाव। तो भगवान कपिल देव कहते हैं माता देवती उनकी माँ है, कहते हैं माँ मेरी इस भौतिक मेरी शक्ति को बाहर बहिरंगा शक्ति को मेरी माया की शक्ति को देखो, ऐसे कहते हैं भगवान कि जरा देखो मेरी माया की शक्ति को कि वो स्त्री के रूप में सिर्फ एक आईब्रो एक भौंक को घुमा के पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, सिर्फ मेरी माया स्त्री के रूप में एक आईब्रो को घुमा के पूरी दुनिया अपने कंट्रोल में करती है। इसलिए जब धारणा के बारे में बताते हैं, ध्यान के बारे में बताते हैं कि किस पे ध्यान लगाना है, तो भगवान के एक एक अंग पे ध्यान लगाना है। शुरू कहां से करना है, भगवान के चरणों से शुरू करना है और एक एक अंग पर ध्यान लगाना है, और जब मुख कमल पर आते हैं तो इस चीज का सॉल्यूशन बताते हैं, किस चीज का, माया कैसे कंट्रोल करती है दुनिया को। भगवान ने बताया कि माया दुनिया को स्त्री के रूप में आईब्रो से कंट्रोल करती है, तो इससे बचना है ना। तो जब धारणा बताते हैं तब भगवान सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो इसके बाद भगवान कहते हैं कि एक एक अंग पे ध्यान लगाइए, मुख कमल पर जब आएंगे तो भगवान की आईब्रोज, समस्या थी माया से बचना है तो माया कैसे कंट्रोल कर रही है, उससे बचने के लिए भगवान कहते हैं कि भगवान के मुख कमल के आईब्रोज पे आप ध्यान लगाएं। तो जो व्यक्ति भगवान की भौंह पर आईब्रो पे जो ध्यान लगाएगा वो माया के प्रभाव से बच जाएगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जो जिसको इस तरह से, कल कोई प्रश्न कर रहा था क्लास के बाद कि काम पर कैसे कंट्रोल करें, एक दिन वो भी प्रश्न कर रहे थे कि कैसे इस चीज पर कंट्रोल करें, विश्वामित्र नहीं कर पाए बड़े बड़े, तो प्रभुपाद जी ने भी इसको सलूशन दिया। यहाँ भगवान कपिल देव भी कहते हैं कि जिसको इस तरह की समस्या हो वो भगवान के आईब्रोज पर मेडिटेट करे, ध्यान लगाए, देर तक उनको देखे, उन पर ध्यान लगाए। इस तरीके से फिर भगवान कपिल कहते हैं कि जीव के संसार मन होता है जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इसमें जो फंसे हैं, तब तो हम लोग सुबह सुबह गाते हैं संसार दावा नली डलो का, हम इस भौतिक जगत का जो जो ये जंगल में जो आग जैसे लगती है, उस आग में जो हम फंस जाते हैं, है ना, जंगल में जब आग लगती है तो एकदम से लगती है ना, उसका कोई कारण नहीं है, वो अपने आप आपस में रगड़ से लग जाती है और वो एकदम से फैलती है, सेकेंड्स के अंदर पूरे जंगल में आग जाएगी। और फिर क्या होता है कि जानवर एकदम से भागते हैं, तो जो जानवर एक जानवर को छोड़ के बाकी सब जानवर भाग पाते हैं, और एक जानवर वो तुरंत मरता है और वो है सर्प, क्योंकि वो रेंगता है ना, जहां आग लगी है तो एकदम से उसका, है ना। तो क्यों, सर्प जो होता है वो ईर्ष्यालु लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो जो लोग ईर्ष्या रखते हैं किसी से वो इस भौतिक जगत में बहुत जल्दी भटकते, इसी में भटकते रहते हैं, इसलिए
सब शास्त्र आप देखें, गीता में भगवान ने कई बार बोला है कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वर नहीं है, ठीक है। और भागवतम में भी शुरू होती निर्मत शरणम सताम, जो ईश्वर से रहित है उन्हीं के लिए भागवतम है ना। तो इस संसार में जीव भटक रहा है तो भगवान कपिल कहते हैं कि वो व्यक्ति पूरा जीवन, ये बहुत ग्रेट एक्सप्लेनेशन है, लंबा चैप्टर है, एक एक स्टेप में बताया है कि कैसे व्यक्ति पूरा, उसका विवाह होता है, फिर वो मेहनत करता है, ऑफिस जॉब बाहर जाता है, दिन भर मेहनत करता है, खाना लेके आता है, कई बार फैमिली को खिलाने के चक्कर में उसको खुद को ही नहीं मिलता, ऐसे लिखा है। फिर वो कम खा के भी रहता है, अपना करता रहता है, और इस तरीके से करते करते उसका पूरा जीवन निकल जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं तो फिर वो गलत काम भी करता है, और उस गलत काम कर करके वो अपने परिवार वालों के लिए सुख सुविधा का व्यवस्था करता है, और वो परिवार वाले उसके जो पाप करके वो ला रहा है उसमें भागीदारी भी नहीं बनते। आपको पता है वाल्मीकि की कथा, सबने मना कर दिया, जो पाप करके लाओ हमसे मतलब नहीं, हम आपके पाप में भागीदारी नहीं होंगे। उसके बाद जब वो बुढ़ा हो जाता है और वो नहीं ला पाता है तो यही लोग, भगवान कपिल कह रहे हैं ठीक है, यही लोग उसको ऐसे समझते हैं जैसे घर में कोई कुत्ता, उसको खाना देने में भी इन्हें दिक्कत होती है, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी इनसे लगाव रखता है और यही सोचता रहता है और क्या कर दूं और क्या कर दूं। ऐसे करते करते वो एक दिन डेड बेड पे आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मृत्युशैया पर आ जाता है, क्या बात है। तो मृत्युशैया पे पड़ा है, फिर उसके आसपास सब रिश्तेदार बैठे रहते हैं, उसका गला कफवात पित्त से चोक हो जाता है, बोल भी नहीं पाता बेचारा, फिर रिश्तेदारों को देखता है और वो बोलने की इच्छा करता है पर बोल नहीं पाता है तो और दुखी होता है। फिर ये लोग उसको कहते ओ मेरा पति, ओ मेरी माँ, ओ मेरा भाई, तो ये सुनकर उसे और दुख होता है, उस बंधन में वैसे ही मर रहा है अब और जकड़ता जाता है, इस वृद्ध ये कुछ नहीं कर सकता बेचारा। और इसी दौरान उसको भयानक दो तीन शक्ल दिखती है यमदूतों की, और वो उसको फंदे में फंसा के लेके जाते हैं, तब ये चिल्लाता है कि मुझे नहीं जाना। जैसे आपके पास कोई फोन है और कोई आया उसको खींचे छीने, आपको ऐसा लगेगा कल मेरे पास फोन ही नहीं है, इसलिए है कि नहीं, दर्द होता है ना। कोई मेरी चीज को लेके जा रहा है, आपने एक बढ़िया बेस्ट है ना, एक जैकेट पहना हुआ है, कौन सा नई की का है ना, और कोई आया और जीप खोला है उतार इसको, ये क्या, तो आपको दुख होगा कि नहीं। तो ये, और वो जैकेट कब आया था, 2 महीने पहले आपने खरीदा होगा, तो उस 2 महीने पहले खरीदी हुई जैकेट से जब इतना लगाव है तो ये शरीर तो इतने सालों से आपने पकड़ा हुआ है, जब वो इस शरीर को आपसे अलग करेंगे तब हमें दर्द होगा, अरे मेरा शरीर लेके। तो वो चिल्लाता है, वो सुनते नहीं है, वो चिल्लाता है, वो मारते हैं, फिर उसको खींच के लेके जाते हैं, और रास्ते में नरक के रास्ते उसको एक दूसरा शरीर देते हैं, यातना शरीर जिसे कहते हैं। इस यातना शरीर बहुत बढ़िया डिजाइन है इसकी, क्या डिजाइन है, जैसे उसको दंड मिलना है कि उसका हाथ टूटना है, पर उसका दंड है कि इसका हाथ तोड़ो। अब हो सकता है दंडों की इसका हाथ 10 बार तोड़ो,
तब ये शरीर में तो एक बार टूट गया तो टूट गया, और क्या 10 बार कैसे तोड़ोगे, है ना। तो ये यातना शरीर में क्या होता है कि जब हाथ तोड़ते हैं तो दर्द वही होता है पर हाथ नहीं टूटता। भगवान कितना इंटेलिजेंट है, दर्द वही होगा हाथ नहीं टूटेगा, और फिर तोड़ेंगे फिर दर्द वही होगा हाथ नहीं टूटेगा, ऐसे करके 10 बार। जैसे बोलते ना गरम तेल के कड़ाही में फ्राई किया जाएगा उसका मंचूरियन बनाने के लिए, नहीं तो गरम तेल में फ्राई करेंगे तो खत्म हो जाएगा ना शरीर, और शरीर तो यही चल गया, तो उसको यातना शरीर देते हैं। फिर उसको खींच के लेके जाते हैं नरक के रास्ते में, कुत्ते रहते हैं खतरनाक कुत्ते, है ना, जिसको ज्यादा डिटेल चाहिए वीडियो भी है इसका, है ना। तो वो कुत्ते आते हैं और उसको काटते हैं। तो जब वो कुत्ते, ऐसा डिजाइन भगवान ने ऐसा बना रखा है, हरि बोल, उन्होंने ऐसा बना रखा है जब कुत्ते जब काटते हैं तो इसको एक एक पाप याद आता है कि हाँ मैंने ये पाप किया था, हाँ मैंने वो पाप किया था, इस तरीके से बेचारा नरक में जाता है, नरक में सजा भोगता है। और फिर दोबारा फिर ये कई पूरी योनियां 84 लाख योनियों को भोग के फिर इसको इंसान का शरीर फिर से दिया जाता है, फिर ये माता के गर्भ में आता है। और फिर वो 31वें अध्याय में इतना डिटेल में वर्णन है, पूरा एम्ब्रियोलॉजी दिया है, कैसे भ्रूण बनता है, पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में क्या होता है, ऐसे करके पूरा वैदिक एम्ब्रियोलॉजी एक्सप्लेन किया है। इस वैदिक एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से हम समझते हैं कि जैसे ही गर्भ धारण होता है उसी समय आत्मा वहां है। उस भागवतम में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि पिता के द्वारा आत्मा उसका सहारा लेके माता के गर्भ में जाती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो आजकल के भौतिक वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि केमिकल से हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, कोई वहां पे लाइफ नहीं है, है ना। फिर पूरा एक्सप्लेनेशन है, पहले महीने में क्या, कब हाथ बनेंगे, कब आंख बनेगी, कब क्या होगा, धीरे धीरे पूरा। फिर आता है कुछ समय के बाद उस बच्चे को फीलिंग भी आ जाती है, हाथ पैर बन जाते हैं, उसको सेंसेशन हो जाता है। इसलिए पहले दिन से ही वहां आत्मा है, इसलिए अबॉर्शन करना माने किसी भी स्टेज में किया जाए वो हत्या है, किसी भी स्टेज में अबॉर्शन माने हत्या, है उसमें कोई वो नहीं है कि अभी इतने समय में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। फिर ये बच्चा जो मां पे निर्भर रहता है, और बहुत कष्ट है जन्म में, इसलिए जन्म को 4 दुखों में गीता में जन्म को भी एक कष्ट बताया है, इसमें बहुत दुख मिलता है उसको, है ना। एक बार मैंने एक्सप्लेन किया था शायद यहाँ पे, वो एक बैग में इतना बैठे, हम एक जगह बैठे 4 बार पोजिशन बदल लेते हैं, भगवान 9 महीने कैसे एक ही पोजीशन, कोई उजाला नहीं, सब अंधकार है, जैम पैक एक बैग के अंदर हम पड़े हुए हैं, और हमारा मल मूत्र उसी में हमारे साथ पड़ा हुआ है, और खाने के लिए कोई वहां पे चॉइस नहीं है, मेन्यू कार्ड सर क्या लेंगे, कोई मेन्यू कार्ड नहीं, जो माँ खाएगी वही आपको मिलेगा, माँ ने चिली पोटैटो खाया, चिली आपको ही मिलेगी। तो वो बच्चे का जो शरीर होता है वो टेंडर होता है ना, तो वो ये जो खट्टा माँ खाती है और जो मिर्च जो भी वो खाती है, ये सबसे वो जलता है उसका शरीर, और वो उस कष्ट को झेलता है। फिर उसी में मलमूत्र है तो उसमें कीड़े होते हैं, प्रभुपाद जी तो ये भी लिख रहे हैं कि उसी गर्भ में कीड़े हैं
उसी गर्भ में वो है, तो वो भी उसके भाई है। कपिल भी जी भी कहते हैं सौहृदम, वो उसका भाई है कीड़ा, एक ही गर्भ में है ना सब। तो ये कीड़े उसको काटते हैं, और जब ये कीड़े उस बच्चे को गर्भ में काटते हैं तो इसको दर्द होता है, तो ये ऐसे से कुछ तो भी हिलता डुलता होगा, तो बाहर माता पिता खुश होते हैं कि बच्चा हमारा हमसे बात कर रहा है, उसको अंदर कष्ट है। तो इतना कष्ट है, इतना असहनीय पीड़ा इस बच्चे को होती है, तो कुछ सब में से कुछ भाग्यशाली बच्चों को उस समय भगवान अपनी कृपा करके अपनी याद दिलाते हैं, और वो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, उसको सब पाप याद आते हैं, फिर कहाँ कहाँ क्या क्या किया था, फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान यहां से निकालो, यहां से मुझे निकालो, या फिर मुझे यहीं पे खत्म करो, मुझे ये कष्ट नहीं सह, मैं आगे से कोई पाप नहीं करूंगा, सिर्फ आपकी भक्ति करूंगा। ऐसा जब वो प्रार्थना करता है तो फिर भगवान के अरेंजमेंट से बच्चा घूमता है जन्म के लिए, और फिर जन्म होता है। जन्म के समय में भी इतना प्रेशर उसको बेहोश हो जाता है कई बार। फिर देखें जब नर्स जब उसको मारते हैं थोड़ा, माने अगर बच्चा शांत पैदा हुआ तो कहते तू शांत क्यों, तू रो, तू इस जन्म इस संसार में पैदा हुआ है रोने के लिए, रो क्यों नहीं रहा। जो बच्चा रोता नहीं जन्म के समय उसमें टेंशन मानते हैं, रो नहीं रहा है, तो देख मारते हैं रो, हाँ भी रो रहा है ठीक है अब जिंदगी भर रोएगा, वो रोता है समझते हैं हैप्पी बर्थडे, हर साल उसके रोने उसका वो मनाते हैं, आज के दिन तू पैदा हुआ था दुख भोगने के लिए, हैप्पी बर्थडे। वो रो जब वो रोता है तब सब हंसते हैं, और मृत्यु के दिन जब वो शांत है तब सब रोते हैं, अरे यार एक व्यक्ति निकल गया अच्छा खासा दुख भोग रहा है, रोते ही नहीं है संसार। तो इस तरीके से उसका जन्म होता है, जन्म के बाद भी कपिल देव कहते हैं आराम नहीं, क्यों, कभी बच्चे को तो भूख लगी है और पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं इसको सोना है, उसको सुला देते हैं, कभी उसको सोना है वो सोचते दूध के लिए रोया है, दूध पी, अरे उसको नहीं चाहिए भाई, तो उसके उसके कोई समझते नहीं ना कोई, यही तो कष्ट है जन्म का, वो क्या चाह रहा है किसी को नहीं समझता, सब गेस करते हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं मम्मी बोल रहा है, उसको नहीं पता भाई, वो बोलते अरे नहीं नहीं मम्मी पापा लड़ जाते, पापा बोला, वो कहते नहीं मम्मी बोला, अरे यार उसको लगी है भूख, ये लड़ रहे हैं कि मम्मी बोला वो। तो भगवान कपिल कह रहे हैं कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए किसी को समझता नहीं, और उसको कई बार जो नहीं चाहिए वो करा देते हैं, तो दुख है कि नहीं दुख। तो बेचारा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके बाद तो दुख है ही, सब जानते हैं स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए वो कपिल भगवान ने कहा नहीं ना। तो इस तरीके से भगवान कपिल कहते हैं कि जीव को अगर इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से बचना है तो उसे क्या करना चाहिए, भक्ति। इस तरीके से उनका उपदेश पूरा होता है, माता देवती अपने जीवन को परफेक्ट बना के भगवत धाम जाती हैं, कपिल भगवान तपस्या करने के लिए गंगा सागर में जाते हैं, आज भी वहाँ तपस्या कर रहे हैं गंगा सागर में, जो लोग गए कपिल भगवान का वहाँ मंदिर है,